हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल एट होम. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 10, अ नॉटी लिटिल कॉमेट. सो व्हाट इज़ द कॉमेट बच्चों? यू नो अबाउट कॉमेट? हैव यू हर्ड अबाउट सोलर सिस्टम? डेफिनेटली यू हर्ड अबाउट सोलर सिस्टम. देयर इज़ 8 प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम. ओके, वी लिव ऑन अर्थ. अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट. ओके, सो वी विल सी वॉट इज कॉमेट एंड वॉट शी विल डू इन दैट चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. इट इज़ अ कॉमेट. ओके, डू यू नो वॉट मिल्की वे इज? इट इज़ अ गैलेक्सी दैट कंटेन्स आर सोलर सिस्टम. देयर आर सेवरल स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, कॉमेट्स एंड अदर अनआइडेंटिफाइड रॉक्स इन आर गैलेक्सी. लेट अस रीड दिस पोइम अबाउट नॉटी कॉमेट. तो क्या आप एक मिल्की वे के बारे में, क्या मिल्की वे क्या है आप जानते हैं? इट इज़ अ गैलेक्सी दैट कंटेन्स आर सोलर सिस्टम. ये क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, इट इज़ अ मिल्की वे. ये जो सर्कल सर्कल हो रहे हैं, इसमें क्या है? इट इज़ अ मिल्की वे. इसमें क्या रहते हैं? जैसा कि आप देखेंगे, ये मिल्की वे है जो लाइंस हो रही हैं, और इसके बीच में क्या रहते हैं? प्लैनेट्स रहते हैं. सन रहता है, सन नहीं रहता, मतलब प्लैनेट्स रहते हैं. हमारी अर्थ भी इसी में ही रहती है. तो ये होता है. और इसमें क्या होता है? सेवरल स्टार्स होते हैं, मून्स होते हैं. हमारे अर्थ का भी मून इसी में ही होता है. और कॉमेट्स होते हैं. कॉमेट्स यानी डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स जो होते हैं ना, क्लस्टर होते हैं, उनको कॉमेट्स बोलते हैं. इन्हीं के बीच में आते हैं. और ये कॉमेट है, जैसे ये आप अपनी अर्थ है जो ब्लू सीन हो रही है, ये मार्स है ना. और ये नीचे सन को दिखाया गया है. तो हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या है. There was a little comet who lived near the Milky Way. She loved to wander out at night and jumped about and play. वहाँ पे वो कहते हैं कि मिल्की वे में कौन रहता है? कॉमेट रहता है. एक कॉमेट रहती है. वो क्या करती है, क्या करना पसंद करती है? घूमना पसंद करती है रात में, और इधर उधर खेलना और जम करना पसंद करती है. द मदर ऑफ द कॉमेट वाज वेरी गुड ओल्ड स्टार. शी यूज टू स्कोल्ड हर रैकलेस चाइल्ड फॉर वेंटरिंग आउट टू फार. तो वो उसकी माँ जो होती है, तो वो उसको वो बहुत अच्छी एक ओल्ड स्टार होती है, तो है ना, वो उसको कहती है कि तुमको नहीं घूमना चाहिए, है ना, लापरवाही के साथ नहीं घूमना चाहिए, दूर नहीं जाना चाहिए. शी टोल्ड हर ऑफ द ओगर सन हु लव टू स्टार्स टू सप एंड हु आस्क नो बेटर पास टाइम देन द गोबलिंग कॉमेट्स अप. वो समझाती है उसको कि सन जो है, सन की तुलना वो एक ओगर से करती है. ओगर क्या होता है, जैसे जियंट होता है ना, मतलब कहें जैसे किसी जो राक्षस टाइप का अपन कहते हैं ना, कि वो राक्षस है, वो उसको खा गया, उस टाइप से वो उसको डराने की कोशिश करती है. कि सन जो है, उस सन को ओगर से कंपेयर करती है, कि ओगर है वो क्या करता है, स्टार्स को सब कर जाता है, यानी पी जाता है, खा जाता है, पी जाता है. और उसके लिए ये सबसे बेटर पास टाइम होता है कि वो स्टार्स को निगल जाए, कॉमेट्स को फटाफट से निगल जाए. बट इंस्टीड ऑफ ग्रोइंग कोशियस एंड शोइंग प्रॉपर केयर द फुलिश लिटिल कॉमेट एज्ड अप नियर एंड मोर नियर. अब वो अपनी माँ की बात सावधानी पूर्वक सुनने और मानने की जगह, उनसे सावधान होने की जगह, डरने की वजह, वो लिटिल फुलिश होता है वो कॉमेट, है ना. अपनी माँ की बात को क्या करता है? इग्नोर करता है, मतलब अनसुना कर देता है. और किसके पास? और पास जाने लगता है, सन के और पास जाता है. शी स्विस्ड हर सॉसी टेल अलोंग राइट वेयर द सन कुड सी एंड फ्लर्टेड विथ ओल्ड मार्स. और वो क्या करता है, अपनी सॉसी टेल उसकी, देखिए ना, ये सॉसी टेल है ना, अपनी शी स्विस्ट हर सॉसी टेल, उसको इधर उधर हिलाता है कि, है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सूर्य के सूर्य उसको अच्छे से देख सके. और ओल्ड मार्स के साथ भी फ्लर्ट करता है ना, उसके साथ भी छेड़छाड़ करता है. एंड वाज एज बोल्ड एज ही कुड बी, है ना. और वो और साहसी होता जाता है, मतलब डरता नहीं है. जैसे उसकी माँ उसको समझा रही है कि भाई उसके पास मत जाओ, सूर्य क्या करता है, लिटिल कॉमेट्स को या कॉमेट्स को निगल जाता है, तुम उसके पास मत जाओ, पर वो उनकी बात को अनसुना कर देता है. और क्या करता है देखते हैं. शी लव्ड टू स्कोन
क्वाइट स्टार हु नेवर फ्रिस्क अबाउट शी सेड देर वॉज नो फन इन लाइफ अनलेस यू वेंटर्ड आउट। अब वो कहता है कि है ना देखो तुम्हारी ज़िंदगी में स्टार से जो क्वाइट स्टार होते हैं चुपचाप अपने स्थान पर रहते हैं, तो उनसे कहता है कि है ना तुम कैसे हो, मतलब तुम्हारी तो ज़िंदगी यूं ही है। मतलब उसको एक तरीके से बहुत शर्मिंदा टाइप करता है उनको कि है ना तुमको तो तुम्हारी लाइफ में तो कोई मज़ा ही नहीं है, तुम तो कभी फ्रिस्क ही नहीं करते, उछल कूद नहीं करते, कोई फन ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में अगर तुम बाहर नहीं जाते तो। शी लाइक टू मेक द प्लैनेट स्टार एंड विस्ट नो बैटर मिर्थ दैन जस्ट टू सी द टेलीस्कोप एंड एट हर फ्रॉम द अर्थ। तो वो कहता है कि है ना तुम वो प्लैनेट्स को देखता है और विश करता है कि और खुश होता है है ना, और वो चाहता है कि एक टेलीस्कोप मैं अर्थ अपने घर पे अर्थ पे लेके आऊँ। शी वंडर्ड हाउ सो मैनी स्टार कुड मोप थ्रू नाइट्स एंड डेज। और वो सोचता है कि वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि कितने सारे स्टार हैं लेकिन ये कितने बेकार से उदासी भरे हुए बैठे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं लेकिन उदास हैं। एंड लेट द सिकली फेस्ड ओल्ड मून गेट ऑल लव एंड प्रेज। और देखो ये सिक सा मून है, उसको मून को क्या बोलता है वो, सिकली फेस्ड मून यानी बीमार सा मून है, ये कितना ज़्यादा प्यार और है ना प्रेज तारीफ पाता है। एंड शी टॉक्ड टोस्ड हर हैड स्विस्ड हर शाइनिंग ट्रेल। वो अब है ना उसको क्या लगता है कि वो बात करता है टोस करता है अपने हेड को और अपनी टेल को भी, शाइनिंग स्विस्ड हर शाइनिंग ट्रेल। द स्टेड ओल्ड मदर स्टार ग्रू सैड एंड हर चीक ग्रू वैन एंड पेल। अब वो उसकी जो मदर होती है वो कैसे शांत बैठी होती है, उसका गुस्सा बढ़ रहा होता है और वो कमज़ोर और पीली दिख पड़ने लगती है। फॉर शी हैड लिव्ड देयर इन स्काईज ए मिलियन ईयर्स मोर एंड शी हैड हर्ड गे कॉमेट स्टॉक इन जस्ट दिस वे। अब वो देखती है कि है ना कि जो फॉर शी लिव्ड देयर इन द स्काईज इन मिलियन ईयर्स मोर, वो कहती है कि जो कॉमेट्स बहुत सारे मिलियन ईयर्स जी सकते हैं। शी हैड हर्ड गे कॉमेट्स स्टॉक इन जस्ट वे बिफोर एंड बाय देयर केम एन एंड टू दिस गे कॉमेट्स फन। और आखिरकार उस कॉमेट के फन का अंत आ गया। शी वेंट ए टिनी बिट टू फार एंड वैनिश इन द सन। और क्या हुआ कि वो सन के और नज़दीक नज़दीक जाता रहा, फन करता रहा, उसके फन का अंत हो गया, उसके मजाक का अंत हो गया, वो सूर्य में जाके समा गया और गायब हो गया। नो मोर शी स्विंग्स हर शाइनिंग ट्रेल बिफोर द होल वर्ल्ड स्लाइट बट क्वाइट स्टार्स लाफ्ड स्कोन वार ट्विंकलिंग नाइट। तो अब क्या है कि ना वो स्विंग कर रहा है, उसकी शाइनिंग ट्रेल है वो ना तो स्विंग कर रही है ना, बट क्वाइट स्टार और जो क्वाइट स्टार हैं वो लाफ कर रहे थे है ना, क्यों, क्योंकि वो उनका मजाक उड़ा रहा था। सो आई होप यू हैव इन्जॉय द चैप्टर। सो द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज़ ईला व्हीलर विलकॉक्स। ओके, So, I hope you have enjoyed this chapter. Thank you. Goodbye. Take care.